आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। चंद्रयान 3 की सफलता यहां हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सिवनी में पले बढ़े प्रमोद कुमार सोनी, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं प्रमोद कुमार सोनी सिवनी में पले बढ़े हैं और चंद्रयान 3 में की सफलता में इनकी भी महती भूमिका रही है। सिवनी में लोक निर्माण विभाग में अनुभागीय अधिकारी रहे नीलकंठ सोनी के पुत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हैं नीलकंठ सोनी के पुत्र प्रमोद सोनी। इसके पहले मिशन मंगल में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सिवनी में इनके पिता वीर होम्स में रहते हैं लुगरवाड़ा में, और उनका सम्मान करने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद पहुंचे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा नीलकंठ सोनी का सम्मान किया गया। सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लोक निर्माण विभाग से वे सेवानिवृत्त हुए हैं और अनुभागीय अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद वे पहुंचे उनके निवास पर, और इस तरीके की अगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्धि, किसी बच्चे की उपलब्धि पर उनके माता पिता को सम्मान इस तरह से दिया जाता तो निश्चित तौर पर एक नज़ीर से कम नहीं होती है। सिवनी के दोनों सांसद और चारों विधायकों को चाहिए कि सिवनी के बच्चे जहां भी देश प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हों, उन सभी बच्चों को उनके पालकों की भी हौसला अफजाई निश्चित तौर पर करना चाहिए। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा काफ़ी समय यहाँ बिताया गया, उनके परिजनों से बात की गई, और डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन चूँकि 4 बार के विधायक रहे हैं और उसके बाद वर्तमान में वे सांसद हैं। ये देखिए यहाँ नीलकंठ सोनी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का सम्मान कर रहे हैं, उनका आने पर, उनके निवास पर पहुँचने पर उनके द्वारा सम्मान किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कितना उल्लास का वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा इस अवसर पर परिजनों से क्या चर्चा की गई। ढाल सिंह आया तो उन्हें सबको हटा दिया, दूसरे लोगों को नहीं बना, मैंने मैंने बना दिया, नहीं भेज रही पार्टी तो मैंने गुस्से में बना दिया। कार्यकर्ता को तो बना रहा हूँ, नहीं पार्टी जो फाइनल करेगी वही बनेगा, जबकि मैंने भी पार्टी अध्यक्षों से और वहाँ के विधायकों से पूछ के फाइनल किया। वो धीरे धीरे हर चीज़ को, चलो 15 अगस्त में तिरंगा झंडा फहराओ, स्वच्छता का कार्यक्रम करो, फलाना कार्यक्रम करो, ये धीरे धीरे आपको दिशा मिली जा रही है। यानी खेल खेल में चलो बच्चे खेलेंगे, खेल कूद करेंगे, तो हमको रात दिन करे सांसद खेल कराओ, खेल कराते कराते बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता आएगी, आगे बढ़ेंगे। बच्चों को इसरो ले जाते हैं दिखाने के लिए, भाभा ले जाते हैं दिखाने के लिए, सीमा पर ले जाते हैं दिखाने के लिए, चलो 20-50-100 बच्चे जाओ सीमा क्या है देख के आओ, हम सांसदों को कहते जाओ बॉर्डर के शहर देख के आओ, अंतिम छोर का गांव देख के आओ, पोस्टल क्षेत्र का गांव देख करके आओ, और कहाँ घूमने जाते हो, यहाँ घूम के जाओ, लोकल वोकल के ऊपर आज उसका परिणाम देखो कि छोटे छोटे चीज़ें अर्थव्यवस्था इसी में बनी ना। मैंने आपको बताते धीरे धीरे देश कैसे एक दिन बहुत सुंदर और अच्छा बन जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। तो वो भी संघ के ही है, वो जानते हैं कि हम एक दिन में नहीं कर पाए, एक दिन में स्वच्छता होने वाली नहीं है, ये हो जाएगी, पर धीरे 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 जब आदत में आते जाएंगे। मोदी जी मालूम क्या, हम अपने जीवन में साफ स्वच्छ होते ना देखे और आप अपने जीवन में देखोगे क्या, क्योंकि वो आदत में लाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का आदमी है, विदेश जाएगा तो ऐसा बाजू ठूकेगा नहीं, यहाँ करके ऐसा यहाँ पीछे धोते सोनी जी नहीं है ऐसा करके जहाँ लिखा है वो ऐसा पीछे करके कर देगा आपके घर में क्या। ये जो स्वभाव है विजन बहुत अच्छा, उस विजन के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आदिल वाले अशोक सोनी है ना, भाजपा के बोर्ड में उनके पिताजी जो जिंदा नहीं है, बोले आरएसएस क्या है वो माने को बच्चों को। आपने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा परिजनों से क्या चर्चा की गई, और वास्तव में एक अनुकरणीय पहल है, चूँकि ये सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा मुख्यालय में नीलकंठ सोनी रहते हैं, इसलिए सिवनी विधायक का भी ये दायित्व था कि वे जाकर उनकी हौसला अफजाही करें। बहरहाल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।